हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ वेरियस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, जो कि एल्गोरिदम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सारे एल्गोरिदम में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ही बात करते हैं। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन आपके प्लेसमेंट्स, आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्जाम्स में भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड ही आते हैं। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो यहां पे इस वीडियो में मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूं, इस सीरीज को आपको याद रखना है, बट ऐसा नहीं कि क्रैम करना है, आपको इस मेथड को याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को याद करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस सीरीज से रिलेटेड जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे मिनिमम टाइम की अगर हम बात करें, सबसे मिनिमम जो टाइम है वो आता है ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहां पे ऑर्डर क्यों लिखा हुआ है। ऑर्डर का मतलब होता है एट मोस्ट, मैक्सिमम, अपर बाउंड। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि लेट्स से अगर मैं इसकी बात करूं तो किसी भी काम को करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा लॉग ऑफ लॉग एंड टाइम लग रहा है, हो सकता है उससे थोड़ा कम लगे, लेकिन वर्स्ट केस में भी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम टाइम इतना लग रहा है। तो इसलिए हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर बिग ओ नोटेशन में, क्योंकि बिग ओ बताता है मैक्सिमम टाइम। अब लेट्स से सबसे पहले हमने यहां पे लिखा है मिनिमम जो है वो आती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम। यहां पे स्टूडेंट जो है बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि लेट्स से ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर 3 दिया है और लेट्स से एक दिया है 10 रेज टू पावर 9। अब पूछ लेते हैं कि इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, मतलब बड़ा टाइम कौन सा है। तो ऑल्दो अगर हम बात करें, यहां पे आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा होगा कि 10 रेज टू पावर 9 कितना होता है 1 बिलियन और 10 रेज टू पावर 3 कितना है 1000। तो ऑब्वियसली दिस इज बिगर टर्म, लेकिन याद रखना इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिदम दोनों यहां पे क्या है, बराबर। रीजन क्या है, जहां पे भी नंबर फिक्स्ड हो गया, जहां पे भी नंबर आपका फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टाइम। इसको आप ऑर्डर ऑफ 1 भी लिख सकते हो, मतलब ये ऑर्डर ऑफ 1 के बराबर ही है, ये भी ऑर्डर ऑफ 1 के ही बराबर है। उसका रीजन क्या है कि नंबर जहां पे फिक्स हो गए, जहां पे आपको पता लग गया कि आपको यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचना है, जो भी नंबर आपको दे दिया अगर वो फिक्स्ड हो गया तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट टाइम यहां पे लेना है। अगर आप पैसों की बात करो तब तो आप कह सकते हो कि ये इसके पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, इसके पास 1 बिलियन है, तब तो आप कहीं ना कहीं कहोगे कि ये टर्म ज्यादा बड़ी है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं काउंट करते हमेशा, हम यहां पे काउंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम बात करें, जहां पे भी नंबर आपका फिक्स्ड हो गया, दैट इज ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट, या आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। अब इससे बड़ी जो आती है दैट इज लॉग ऑफ लॉगरिदम टाइम। लॉगरिदम टाइम में यहां पे आती है लॉग ऑफ लॉग एन, मतलब लॉग एन के ही आगे हमने क्या लिया, लॉग ले लिया। उसके बाद हमारे पास आती है लॉग एन टाइम, जो कि जनरली होती है जैसे बाइनरी सर्च की अगर हम बात करें तो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कई बार आ जाती है, तो दैट इज एक्चुअली लॉग एन। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ 1 में, तो हैशिंग में अगर लेट्स से हैश टेबल में मेरे को डेटा सर्च करना है तो नॉर्मल केस में हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ 1 टाइम होता है। सॉर्टेड एरे में मीडियन फाइंड करना है तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम होता है। तो इस तरीके से आपको याद भी रखनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ एन पावर 1/2, ये टर्म जो है वो इससे क्या आती है, बड़ी आती है, क्योंकि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पे लिखता जा रहा हूं। अगर आपको चेक भी करना है ना, तो हम जनरली चेक करने के लिए कई बार वैल्यूज भी पुट करते हैं। जब भी वैल्यूज पुट करो, हमेशा वैल्यूज थोड़ी बड़ी पुट करके देखना। जैसे लेट्स से मैं यहां पे अगर वैल्यू पुट करता हूं 1000 अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो लॉग 1000। अब यहां पे जनरली हम लॉग जो है वो बेस 2 ले लेते हैं, आप जितना बड़ा लॉग लोगे उतना ही आपको जो है वो वैल्यू और कम होती जाएगी। तो मिनिमम से मिनिमम अगर आप बेस 2 भी लेते हो तो लॉग 1000 कितना होगा, लॉग 1000 जो है वो अप्रोक्सीमेट 10 आएगा, क्योंकि 2 रेज टू पावर 9 512 होता है, 2 रेज टू पावर 12 1024 होता है, तो यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी 10। अगर ये वैल्यू देखो log 1000, तो log 1000 में अगर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 10, आपने उसका भी आगे log ले लेना है। अगर log ऑफ 10 आप लोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 या मैक्सिमम 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो आप अगर 4 भी ले लेते हो, अपर केस भी लेते हो, मतलब अगर आप सीलिंग वैल्यू भी लेते हो तब भी वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो आपको क्लियरली दिख रहा है 4 इज लेस देन 10। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1000, हमने n की वैल्यू को 1000 लिया हुआ है, तो मैं 1000 ही पुट करता जा रहा हूं।
1000 का रूट, अगर आप 1000 का रूट लोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, अप्रोक्सीमेट 33-34 वैल्यू आएगी। तो देखो इसकी वैल्यू जो है वो आपसे इस वैल्यू से जो है वो बड़ी आती जा रही है। जब भी आपको वैल्यूज पुट करनी है ना, छोटी वैल्यूज मत पुट करना, क्योंकि स्मॉल वैल्यूज में अगर आप वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1 पुट करोगे तो ये सब बराबर ही आएंगे, या 2 पुट करो तो ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जितनी बड़ी वैल्यूज पुट करते जाओगे, इनपुट की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाओगे, उतना ही आपका डिफरेंस जो है वो क्लियर होता जाएगा। ऐसे ही लेट्स से ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन इज नोन एज लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो लीनियर टाइम में ऑब्वियसली अगर मैं 1000 पुट करता हूं तो 1000 ऑब्वियसली बड़ा होगा। देन आता है अगर हम ऑर्डर ऑफ एन की बात करें, तो जैसे इंसर्शन सॉर्ट में जो बेस्ट केस है ऑर्डर ऑफ एन होता है, ऐसे अगर हम बात करें लीनियर सर्च में, लीनियर सर्च में हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन। देन आता है एन लॉग एन, एन लॉग एन जो है वो इससे भी बड़ा है। जैसे 1000 इंटू लॉग एन, लॉग एन हमने ऑलरेडी निकाला था, लॉग ऑफ 1000 कितना है 10, तो देखो ये कितनी वैल्यू होगी 10,000। तो देखो क्लियरली आपको दिख रहा है ये वैल्यू कितनी है, इससे बड़ी वैल्यू है। तो एन लॉग एन भी याद रखना, मैक्सिमम जितने भी आपके सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, काफी जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है उनमें एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी और इवन कईयों की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी भी एन लॉग एन होती है, नॉट ऑल, कईयों की। जैसे मर्ज सॉर्ट में एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बट क्विक सॉर्ट की बात करें तो एवरेज केस में एन लॉग एन है, लेकिन वर्स्ट केस में एन स्क्वायर हो जाती है। तो ये वैल्यूज जो है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। देन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर ऑब्वियसली क्या है, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अगर आप 1000 की पावर एन पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो ऑब्वियसली ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू 1,000,000 हो जाएगी। ऐसे अगर हम बात करें एन पावर क्यूब, तो ये क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब आपकी क्लियरली दिख रहा है कि ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आता है एन पावर के, अब के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, आप ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले लो, मतलब पॉलिनोमियल टाइम, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो एन पावर 4, 5, 6 ये सारी जो है वो इससे बड़ी है। लेकिन इसके बाद आती है एक्सपोनेंशियल टाइम, एक्सपोनेंशियल टाइम जो है वो 2^n आती है। 2^n जो है वो जनरली, जैसे अगर हम बात करें मैट्रिक्स, अगर हम बात करें मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की, तो जितनी भी डायनामिक प्रॉब्लम्स जो हमारे पास आती हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स जो है वो 2^n में आती है। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम्स है, ये सारी जो है वो एक्सपोनेंशियल में जाती जा रही है। लेकिन हम डायनामिक प्रोग्रामिंग से उनको थोड़ा टाइम को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिंपल सा वंडा, अगर आप लेट्स से 1000 पुट करते हो, तो 1000 की यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 1000 अगर आप पुट करते हो, या लेट्स से अगर आप 10 पुट करते हो, तो 10^3 यहां पे n क्यूब में अगर आप 10 पुट करते हो तो 10^3 आएगा, विच इज 1000। और अगर आप यहां पे n पुट करते हो तो 2^10, which is also approximate 1000। तो कहीं ना कहीं जब आपकी values छोटी होती हैं, तो हो सकता है ये terms बराबर आ रही हो, लेकिन values को जब आप बड़ा करोगे ना, तब clearly difference आएगा। Let's say आप n की value को 100 put करो, अब 100 की cube, 100 का cube कितना होगा? Obviously value जो है वो हमारे पास छोटी आएगी, लेकिन 2^100 तो बहुत बड़ी वैल्यू है। 2^32 ही 4.5 billion के बराबर होती है, 2^100 तो आप काउंट ही नहीं कर सकते। देन आती है n^n, n^n आ गई आपकी फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो एक्सपोनेंशियल से भी बड़ी है। और फाइनली आपके पास आती है डबल एक्सपोनेंशियल टाइम, दैट इज 2^2n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहां पे आपके पास और भी आ सकती है, ऑर्डर ऑफ 2^n², ऑर्डर ऑफ 2^n³, ये सारी जो है वो एक्सपोनेंशियल में आती है। लेकिन जितनी भी 2^2n, दैट इज अ डबल एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको आप अगर आप डिनोट भी करना चाहते हो ना, तो इस तरीके से अगर मैं ग्राफ बनाए, लेट्स से दिस इज माय इनपुट साइज एंड दिस इज माय टाइम, तो कांस्टेंट का मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब क्या, ये ऐसे कांस्टेंट, सिंपल कांस्टेंट वैल्यू जो है वो यहां पे आएगी। लॉग ऑफ लॉग एन जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा इससे ऊपर आएगी। देन आता है लॉग एन, लॉग एन आप इस तरीके से बना सकते हो। देन आपके पास आता है एन की पावर 1/2, दैट इज रूट एन। देन आता है एन, अब एन जो है वो क्या है, काइंड ऑफ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। देन एन लॉग एन इससे थोड़ा सा वैल्यू ऊपर आएगी। देन एन स्क्वायर की बात करें और वैल्यू ऊपर जाएगी, एन क्यूब की बात करें और वैल्यू ऊपर जाएगी,
n 2 पावर n की बात करें तो ये तो एक्सपोनेंशियल जाएगी, n पावर n और उससे ज्यादा ऊपर, 2^2n और उससे ज्यादा ऊपर। लेकिन अगर आप स्मॉल वैल्यूज लोगे ना तो बहुत सारी वैल्यूज जो आपको बराबर आएंगी, लेकिन कभी भी स्मॉल वैल्यूज पे नहीं चेक करना, लार्ज वैल्यूज पे चेक करना, तब आपको पता लगेगा कौन सी टर्म डोमिनेटिंग यहां पे है। ये सीरीज याद रखना, इस सीरीज से रिलेटेड जो है काफी क्वेश्चंस जो आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी ज्यादा आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में यहां पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।